जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है बालाजी माइंस, जो लगभग टॉप से 60% डाउन है। कोविड के बाद में एक शानदार रैली दी इसने, 10 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया। 500 पर बाइंग बनी और 5000 इसने टॉप लगाया। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 60% के लगभग डाउन है। मेजर सपोर्ट के पास में बहुत दिनों से कंसोलिडेट है। तो जानते हैं इसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में, इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी किस लेवल पर मिल सकती है, ऊपर की तरफ कब ब्रेकआउट आएगा, ये अगर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है तो किस रीजन से कर रहा है, क्या इसके क्वार्टरली रिजल्ट में कंसोलिडेट है, गिरावट है क्या है, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। क्वार्टर वन के रिजल्ट किस तरह से आए थे उसको भी समझने की कोशिश करें। तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। एल्काइल एमाइंस के बारे में डिस्कस किया। IRCTC क्लीन साइंस टाटा टेक्नोलॉजी के ब्रेकआउट के नज़दीक है। अब देखो ब्रेकआउट के नज़दीक, हमने इसमें 10 दिन पहले मतलब कि इसमें बनाया था वीडियो और आज इसमें अच्छा मूवमेंट, 2 दिन से 5-4% का मूवमेंट भी अच्छा दे रहा है। 1 दिन में 5% का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो आप इन वीडियो को जाके देख सकते हो कि किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, कौन से स्टॉक्स से अपने को दूर रहना चाहिए, कौन से स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी बननी करनी चाहिए। ये देखिए बालाजी माइंस का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसने इसका चार्ट देखे तो बहुत पुराना है। इसने 18 में एक टॉप लगाया 800 के लगभग और फिर बाद में कंसोलिडेट हो गया 2-3 साल के लिए। कोविड के टाइम इसमें 500 के लगभग बाइंग बनी, इसने टॉप लगाया 5000 के लगभग, यानी 10 गुना को वेल्थ को क्रिएट करके दिया। फिर इसमें ये लगातार गिरावट दिखाई दे रही है, गिरावट लगातार डाउन ट्रेंड चल रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं। तो अभी ये स्टॉक डाउन ट्रेंड के लगभग चल रहा है, तो ये कंसोलिडेट है। अभी देख सकते हो आप इसमें कि अगर बाइंग की बात करें तो मतलब अप्रैल 23 मतलब 1.5 साल से इसी एक कंसोलिडेट फेज के अंदर है, कोई भी रिटर्न नहीं मिला। अगर किसी स्टॉक को अपने 1.5 साल पहले इसमें बालाजी माइंस को बाइंग किया होगा तो उनको कोई भी रिटर्न नहीं मिल रहा होगा। जो सही जगह पर बाइंग किया है तो भी नहीं रिटर्न मिल रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने टॉप पे 22,000 रुपये कर ली, उनको तो नुकसान ही हो रहा, कैपिटल आधी हो गई है। इसीलिए इन चीज़ों से बचने के लिए आपको धीरे धीरे लर्निंग पर ध्यान देना है। धीरे धीरे आप किसी भी स्टॉक को टॉप पर नहीं बाइंग करना। इसीलिए मैं हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि कभी भी स्टॉक को 5 गुना 10 गुना हो जाता है तो उस स्टॉक से 2-3 साल के लिए दूर हो जाइए। प्राइस का कंसोलिडेट होगा, क्वार्टरली रिजल्ट उसका कंसोलिडेट होगा, कोई रेक्टेंगल पैटर्न बनेगा, कोई ट्रायंगल पैटर्न बनेगा, बड़े टाइम फ्रेम में, वीकली मंथली डेली टाइम फ्रेम में आपको ये बनते दिखाई देंगे। तो आप इसमें देख सकते हो कि ये इसमें किस तरह से बन रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं। पहली बात की एक रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट था, वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जब तक इस लेवल को पार नहीं कर लेता, प्राइस है लगभग, प्राइस कितना है ये लगभग है कह सकते हो 2700 के लगभग है, अभी चल रहा है 2255 है। तो अगर मान के चलो कि 27 है मतलब 500 पॉइंट के लगभग है, तो इस रेंज को जब तक पार नहीं करेगा तब तक इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती, क्योंकि एक रेंज बाउंड एरिया कंसोलिडेट है और मेजर सपोर्ट है। ये एक मेजर सपोर्ट इसने बेस बना लिया, इसको टूटना नहीं चाहिए। इस रेंज को जब टूटेगा तभी अच्छा मूवमेंट आएगा, जब चाहे ऊपर की तरफ हो या चाहे नीचे की तरफ हो। दूसरी चीज़ है कि उसके क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे आने चाहिए। ये कंसोलिडेट है तो मेरे हिसाब से अभी मैंने क्वार्टरली रिजल्ट भी नहीं देखे हैं कि इसके कंसोलिडेट हो सकते हैं ज़्यादा, मतलब 10-15 करोड़ का प्रॉफिट लॉस हो सकता है बट दा, लेकिन इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई देगा। तो इसको एक बार क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं फिर वापस आते हैं अपन चार्ट पे। बालाजी माइंस केमिकल सेक्टर की एक स्मॉल टाइप की कंपनी हो गई है, अब तो 73.03 करोड़ का है और ये इसका डाटा है और केमिकल सेक्टर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं किस तरह से इसके क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं। इसमें देखिए एक सेकंड, ये वाइट हुआ है क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो अपने सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर, नेट प्रॉफिट। सेल में देखिए इसमें अपने को सेल, एक्सपेंडिचर, अदर इनकम का सोर्स और नेट प्रॉफिट। अपन दिसंबर, मार्च और जून का 3 क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। इसमें देखिए कितना 304 का देख लीजिए, ठीक है। चार का देखें तो इसमें देखिए 381 था, बाद में 383 हो गया, 414 गया, 15 ज़्यादा गया, फिर वापस 15 वापस आ गया, 385 हो गया इस तरह का। ये एक्सपेंडिचर की बात करें तो 327 है, 309 है, बाद 316 है और बाद में इसका 319 है, ये इसका एक्सपेंडिचर हो गया। और अदर इनकम का सोर्स है, इसमें भी देखो अदर इनकम का सोर्स 7-8-9 इस तरह से दिखाई दे रहा है, मतलब कंसोलिडेट है। अब इसमें अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो देखो 54 है, 74.98 था, ये अभी 66 हो गए, कम हो गया। तो नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखो 36, 56, 72 और ये 46। ये रेंज 36 से 70 तक जाता है और वापस आ जाता है 30 से
जाता है। तो ये देखो 72 गया, अब इस रेंज नहीं तोड़ रहा है, ठीक है, ये कंसोलिडेट है, मतलब 30 से 75, मतलब अगर देख सकते हो कि 40 50 मतलब 40 के लगभग, 35-40 के लगभग करोड़ का ही प्रॉफिट इसमें कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, 10% 10 करोड़ बढ़ जाता है, 10 करोड़ कम हो जाता है, इस तरह से ये वैल्यू हम डिस्कस कर रहे हैं, सारी वैल्यू करोड़ में है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसमें एक कंसोलिडेट आपको प्राइस में जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें दिखाई दे रहा है, वो भी अपने को चार्ट में दिखाई दे रहा है। बैलेंस शीट ठीक है, बैलेंस शीट में इसमें ज्यादा कोई लाइबल ये कर्जा है नहीं, देखो ये भी देख ले सकते हैं जो नहीं है उनको देखो। देखो बैलेंस शीट में अपने क्या चीजें देखनी चाहिए होती है, ज्यादा कर्जा कितना का है, बोरिंग कर्जा 20 करोड़ का है, इक्विटी रिजर्व इसके पास में खजाने में 1750 करोड़ है, और एक असेट जो इसमें असेट और लाइबिलिटीज दो चीज होती है सबको पता होगा, लाइबिलिटीज जो मतलब कि अपने को कोई इनकम नहीं आ रही हो, ठीक है, और एसेट जहाँ से इनकम का सोर्स आ रहा हो, और डिटेल्स इसमें हमने डिस्कस भी किया पहले। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में 53% है, एफआईज की होल्डिंग है, एक सेकंड, एफआईज की होल्डिंग कितनी है इसमें क्या हुआ है, प्रमोटर 53% के लगभग है, और ये इसमें कुछ गड़बड़ हुआ दिखता है वाई ईयरली, हाँ ये देखिए एफआईज की होल्डिंग है 5% है, डीआईज की होल्डिंग है इसमें 1% है, और पब्लिक की होल्डिंग भी इसमें, अब देखो पाइप इसमें एफआई जो डीआईज की होल्डिंग कोई ज्यादा नहीं है, जिस स्टॉक में एफआई जो डीआईज की होल्डिंग ज्यादा नहीं होती वहां पर आपको देखा होगा कि कंसोलिडेट ही ज्यादा चलता है। इसमें पब्लिक की होल्डिंग देखो 45% है, 45% ये ज्यादा है इसमें, ठीक है, वो एक मतलब ये जरूरी नहीं होता पब्लिक की होल्डिंग होगी नहीं होगी ये थोड़ा सी, लेकिन आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि जो सेफ मिलता है ना, यहाँ रिस्क थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, मैं आपको चीज बताना एक चीज पे है, यहाँ पर रिस्क ज्यादा 2.5-3 साल के लिए रिस्क ज्यादा है आपको, तो एफआई जो डीआईज की साइकोलॉजी किस तरह की होती है उनको ज्यादा नहीं चाहिए अपनी तरह, अपने को चाहिए मतलब 5 गुना 10 गुना चाहिए, उनको चाहिए 25% मान लो, या फिर 20% मान लो, 30% मान लो, मैक्सिमम है उनके पास कैपिटल बहुत है तो इतना ही बहुत ज्यादा है, ठीक है। वॉरेन बफे जी है इनके सबके पास, इनका देखो कितना मिलता है 25% ही मिलता है, अब यहाँ से अपने को 10 गुना हो गया तो भी अपन होल्ड कर लेते हैं कि और जाएगा ये, इसलिए अब उनका होल्डिंग कहाँ होगी, टीसीएस में ज्यादा होगी, इन्फोसिस में ज्यादा होगी, रिलायंस में ज्यादा होगी, ठीक है, विप्रो में ज्यादा होगी, उनको इतना ही रिटर्न चाहिए जहां पर आके ज्यादा रिस्क नहीं होता। आपने अभी जाके देख लो विप्रो की देख लो या टीसीएस किसी भी की, मैं आपको बता देता हूँ टीसीएस का ही देख लेते हैं ना, टीसीएस में एफआईज और डीआईज की होल्डिंग कितनी है वो आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है, उनकी होल्डिंग बहुत अच्छी होगी वहां पर, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एफआईज और डीआईज होल्डिंग के देखो 11% 10-12% ये आपको, और इसमें पब्लिक की होल्डिंग कितनी है 4% है, तो वो चीजें अपने को ये सोचता है धीरे धीरे चलेगा स्टॉक, तो उसके चक्कर में अपने को 5 गुना 10 गुना में बुक भी नहीं, ये इसीलिए मैं बोलता हूँ कोई भी स्टॉक आपको 5 गुना रिटर्न दे दिया, आप 10 गुना दे दिया, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो, जब कट जाए उससे दूर हो जाओ, ठीक है। इस तरह से स्टॉक में इसमें देखो आप दे, अभी अगर इसमें देखो ऊपर की तरफ एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, अपन ट्रेड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये कोई अच्छा ट्रेड लाइन तो है नहीं वैसे, ये देखो ये ट्रेड लाइन दो जोन टाइप का बन रहा है, एग्जैक्ट तो नहीं हो रही है, आपको जोन बनाना पड़ेगा यहाँ पर, देखो ये जोन बनाना पड़ेगा, ये जोन है, ठीक है, और नीचे की ट्रेड लाइन है, नीचे की ट्रेड लाइन भी एक यहाँ पर सपोर्ट मान सकते हो आपको, ठीक है। तो ये ऊपर की ट्रेड लाइन को देखो बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो ये बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है, नीचे की ट्रेड लाइन को बार बार सपोर्ट मिल रहा है, ट्रेंगल टाइप का पैटर्न बना हुआ है कंसोलिडेट। आप कोई सा भी स्टॉक जाके उठा के देख लीजिए जो अच्छा रिटर्न दे दिया एक बार, वो ट्रेंगल पैटर्न या रेक्टेंगल पैटर्न, पोल एंड फ्लैग पैटर्न, मतलब ऐसे पैटर्न के अंदर आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ट्रेंगल पैटर्न रेक्टेंगल पैटर्न ज्यादा इसमें बनता है, राउंडेड बॉटम पैटर्न भी बन जाता है, कप एंड हैंडल बाद में बनता है, तो ये पैटर्न भी आपको बहुत जरूरी है। ये वीडियो हमने डिस्कस भी किया है बेसिक से एडवांस तक, प्ले लिस्ट में जाके स्टेप बाई स्टेप, तो जिनको बिल्कुल भी नहीं पता वो देख सकते हैं, नहीं तो आप अपने मतलब के हिसाब से देख सकते हो। तो ये इस तरह से देखे ये ट्रेंगल पैटर्न को जब, अब देखो एक चीज समझने वाली बात ये है कि यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, पुल बैक पैटर्न आएगा तो यहाँ से भी जा सकता है, और दूसरा ये भी लेवल रहेगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ज्यादा ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको पार करना चाहिए। जब तक अब यहाँ पर रुका हुआ है ना, तो अब देखो ये रुका हुआ क्या है, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट की अगर कहीं 61% की रिट्रेसमेंट मिल जाती है वो सबसे बेस्ट रहती है। अब इसमें अगर प्रॉफिट बुकिंग कर लिया तो उसको 61% पर आना चाहिए, नहीं आए ना वो तो अलग चीज है, लेकिन आएगा तब मैं बाइंग करूंगा, ठीक है। ये देखो ये मैंने 61% की रिट्रेसमेंट लगा दी,
अब स्टॉक को इसमें पांच गुना हो गया, पांच गुना हो गया, वो निकल गया यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी चीज, आपको इसको 61% पर बाइंग कर लिया तो उसको अभी तक लॉस नहीं हो रहा होगा और ऊपर जाएगा तब, और ऊपर रेजिस्टेंस किसका ले रहा है, अब देखो इसमें समझने की वाली बात है, 50% की रिट्रेसमेंट को यहाँ पर बार बार इसने सपोर्ट लिया, ऊपर जाके रेजिस्टेंस लिया, 61% की वापस सपोर्ट ले लिया, ये रेंज है 50 और 60 को जब तक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं करता है तब तक इसमें कंसोल, इस पे बहुत नीचे आने की बहुत पॉसिबिलिटी 5% है, कंसोलिडेट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। क्वार्टरली रिजल्ट देखा आपने, देखा होगा कई कई स्टॉक में क्या होता है, जब क्वार्टरली रिजल्ट डाउन आते हैं फिर भी मतलब कि वो स्टॉक गिरते नहीं है, क्यों, वो ज्यादा गिरे हुए पहले भी बहुत ज्यादा गिर चुके हैं, ये 60% तो गिर गया तो अब इसकी पॉसिबिलिटी बहुत है मेजर सपोर्ट के पास में, इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद में अच्छा मूवमेंट आएगा, तब तक नहीं आएगा। मेरे हिसाब से इस वीडियो का कंक्लूजन निकालें तो इसमें वेट एंड वॉच किया जा सकता है, हमने कई स्टॉक में देखा था अब ब्रेकआउट पुलबैक पैटर्न के लिए आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन इस स्टॉक की कंडीशन ऐसे ही बनी हुई है, एक बार भी मैंने पहले भी कोई वीडियो बनाए होंगे तो कभी ये भी नहीं बोला कि इसमें अपने बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेवल का अपने को वेट करना, अब देखिए ये जाएगा नहीं जाएगा वो मेरे को पता नहीं, लेकिन ब्रेकआउट पुलबैक पैटर्न आएगा तब बाइंग करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट पुलबैक पैटर्न आएगा तब बाइंग करूंगा, नियम होना चाहिए, नियम डिसिप्लिन इज मैंडेटरी, अगर डिसिप्लिन अपना नहीं है ये कि मेरे को ऊपर इस लेवल पे आएगा तो मैं बाइंग करूंगा, नहीं आएगा तो नहीं करूंगा, वो तब तक अपने डिसिप्लिन में नहीं लाओगे, अपने माइंड में नहीं लाओगे तब तक अपने बीच में फंसते जाएंगे, एक ग्रीन कैंडल बनेगी, रेड कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल बनेगी तो एंट्री कर लेंगे और रेड कैंडल बनेगी तो अपन एग्जिट कर देंगे, वो सिस्टम अपने को नहीं करना है। इस तरह से अभी लेवल हमने डिस्कस किए, मतलब 1935 या ये मेजर सपोर्ट है, इसको किसी भी हालत में किसी भी सूरत में नहीं टूटना चाहिए, टूटने का मतलब नीचे की तरफ खतरनाक कैंडल बननी चाहिए, रेड कैंडल इस तरह से काटनी चाहिए या ब्रेकडाउन के बाद में पुल बैक पैटर्न आके इस तरह से काटना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर की तरफ जाएगा ग्रीन कैंडल बनेगी तो जाने दीजिए, अपने का कोई मतलब नहीं है, अपने का मतलब अपने को क्या करना है, ब्रेकआउट के बाद में अगर पुल बैक पैटर्न आके कोई ग्रीन कैंडल बाइंग टीआरसीपी कैंडल स्टिक पैटर्न इस लेवल पर मिलता है तो बाइंग करनी है, नहीं तो नहीं करनी चाहिए, स्टॉक 5,000-10,000 ही चला जाए तो मेरे को इससे कोई मतलब नहीं, ये अगर डिसिप्लिन बना लिया तो कभी भी मतलब किसी भी स्टॉक में फंसने की पॉसिबिलिटी लगभग मतलब के कम हो जाती है, 1-2% रहती है और 1-2% 5% तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से रणनीति बना सकते हो, वीडियो अच्छा लगो, कंटेंट अच्छा लगो, आपको कुछ को सीखने को मिला हो, लर्निंग और डिसिप्लिन अपने को किस तरह से कायम किया जा सकता है, अपना मेथड बनाइए उसको, और बड़े टाइम फ्रेम में हमने एक स्ट्रेटजी भी स्विंग ट्रेडिंग की थी कि मेजर मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम पर आप कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए और वहां पर कोई बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर करोगे तो सही जगह पर आप उसमें बाइंग कर सकते हो। इस तरह से रणनीति बना सकते हो, वीडियो अच्छा लगो, कंटेंट अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया, किसी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा फिर डिसीजन लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।